ओके सो सबसे पहले हम रिसीवर की बात कर लेते हैं। तो रिसीवर कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बोए की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए आपको लाइट इंडिकेटर का ऑप्शन जो है वो दे रखा है। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए आपके पास स्विच है। मोनो एंड स्टीरियो का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जिस तरफ आप इसको लेके जाएंगे, सपोज हम इसको एम की तरफ लेके जाते हैं तो आपका स्टीरियो जो है वो काम करेगा, अगर आप इसको एस की तरफ लेके जाएंगे तो आपका जो मोनो है वो काम करेगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। यहाँ से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, तो सी पोर्ट डायरेक्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक चीज़ जो इस रिसीवर की बहुत ही ज़्यादा खास है, दैट इज़ कि इसमें आपको इंटरचेंजेबल हेड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये आपका एंड्रॉयड के साथ भी चल जाएगा, ये आपका iOS के साथ भी चल जाएगा और ये आपका कैमरे के साथ भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा कैमरे का अटैचमेंट जो है वो लगा हुआ है। इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का ये स्विच दे रखा है। इसको आपने बाहर की तरफ खींचना है और ऐसे करके नेक्स्ट आप कोई भी अटैचमेंट फिट करना चाहते हैं सिर्फ ऐसे रखना है, स्लाइड करना है और ये आपका अटैचमेंट हो जाएगा फिट। तो इस तरीके से आप एंड्रॉयड एंड iOS एंड आप किसी भी कैमरे के साथ जो है उसको अटैच कर सकते हैं।